कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलाने से रोकने के लिए जहां केंद्र सरकार द्वारा अलग अलग चरणों में लॉकडाउन कर लोगों को घरों में रहने व सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाया गया है, तो वहीं हिमाचल प्रदेश में भी कोरोना की रोकथाम के लिए कर्फ्यू को एक्सटेंड करने का काम किया गया है, जिसके मद्देनजर बिलासपुर में अब 30 जून तक नई ढील के साथ कर्फ्यू जारी रहेगा। इस बात की जानकारी बिलासपुर उपायुक्त राजेश्वर गोयल ने दी। उन्होंने बताया कि जिला बिलासपुर में लगे कर्फ्यू के दौरान सुबह 6 बजे से लेकर रात 8 बजे तक 14 घंटे के लिए बाजार खुलने व आवाजाही की छूट दी गई है। इसके साथ ही शिक्षा संस्थानों को छोड़कर अन्य सभी सरकारी कार्यालय पूरे स्टाफ के साथ खुलेंगे, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल भी रखा जाएगा। यही नहीं, जिला में सुबह 7 से शाम 7 बजे तक हमीरपुर व शिमला सहित 30 रूटों पर एचआरटीसी की बसों को सैनिटाइज कर बस सेवा भी शुरू कर दी गई है। बिलासपुर उपायुक्त ने बताया कि कर्फ्यू ढील के दौरान जिला व प्रदेश में विभिन्न कर्फ्यू ई पास के आने जाने पर छूट दी गई है, मगर बाहरी राज्यों से आने वाले संबंधित लोग जिला दंड अधिकारी द्वारा जारी किए गए ई पास के जरिए ही प्रदेश में हेल्थ चेकअप के बाद ही एंट्री ले सकेंगे, जबकि किसी इमरजेंसी काम के लिए प्रदेश से बाहर जाने के लिए ई पास लेना अनिवार्य है। साथ ही उस व्यक्ति को 48 घंटे के भीतर वापस आना होगा जहां प्रदेश की सीमा पर उसका हेल्थ चेकअप भी किया जाएगा। लॉकडाउन है, उसमें एक्सटेंशन किया गया है आज 1 जून से लेकर 30 जून तक। तो इस अवधि के दौरान जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट से आई हैं, उनके अनुरूप हमने इस जिला में जो हमारे कर्फ्यू के ऑर्डर्स हैं एक्सटेंशन के, वो जारी कर दिए हैं। इसमें जो मुख्य चीजें हैं वो उस विषय में मैं आपके माध्यम से जो हमारे जो जिला के नागरिक है वो बताना चाहूंगा। एक तो जो कर्फ्यू में छूट है ये अब 14 घंटे की हो गई है, सुबह 6 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक। कहने का तात्पर्य ये है कि रात को 8 बजे से सुबह 6 बजे तक हमारा जो मूवमेंट है वो प्रोहिबिटेड रहेगा, पर सुबह 6 से 8 बजे तक ये अलाउड रहेगा। और रात को जो 8 बजे से 6 बजे तक है जो प्रोहिबिशन का पीरियड है, उसमें अगर मान लीजिए कोई इमरजेंसी है या कोई बहुत ही एसेंशियल सर्विस है तो उसको अलाउड होगा। इसके अलावा जो हमारे कार्यालय हैं जो प्रदेश सरकार के अधीन है, उनके विषय में भी कार्मिक विभाग ने एक ऑर्डर जो है वो जारी कर दिया है, जिसके अनुसार सभी सरकारी कार्यालय आज से पूरे स्टाफिंग के साथ चलेंगे, चाहे अधिकारी हैं चाहे कर्मचारी हैं। परंतु इसमें एक मैं बताना चाहूंगा कि शिक्षण जो संस्थान है उनके ऊपर ये आदेश लागू नहीं होंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि स्कूल्स, अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस वो बंद रहेंगे, बाकी जितने सरकारी कार्यालय हैं वो सभी खुलेंगे और सभी स्टाफ उसमें आएगा। उसमें जो आने जाने का समय है वो थोड़ा स्टैगर किया है। इसके अतिरिक्त जहां तक पासिस का सवाल है, ये काफी इस बारे में क्वेरीज आ रही हैं, तो मैं बताना चाहूंगा कि राज्य के भीतर, चाहे जिला के भीतर या राज्य के भीतर, विद इन द डिस्ट्रिक्ट या एक जिला से दूसरा जिला, इसके लिए कर्फ्यू का जो रिलैक्सेशन अवधि है उसके दौरान कोई भी पास की आवश्यकता नहीं होगी। कोई भी कर्फ्यू पास फॉर मूवमेंट विद इन द स्टेट, विद इन द डिस्ट्रिक्ट नहीं होगी रिक्वायरमेंट। और जहां तक हिमाचल प्रदेश से बाहर जाने का सवाल है, उसके लिए भी पास की आवश्यकता नहीं होगी, परंतु बाहरी राज्य से हिमाचल में आना होगा तो उसके लिए कर्फ्यू पास की आवश्यकता होगी, जो कि संबंधित डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जारी करेंगे। इसमें एक कैटेगरी और है कि मान लीजिए कोई यहां से कोई पीजीआई या कोई मेडिकल उसके लिए बाहर जाता है और उसको 24 घंटे के अंदर वापस आना है, 48 घंटे के अंदर उसको वापस आना है, तो उस दशा में उसको, उस व्यक्ति को कर्फ्यू एग्जिट के लिए कर्फ्यू परमिट लेके जाना होगा और आकर उसका मेडिकल परीक्षण होगा। अगर वो एसिम्टोमेटिक पाया जाता है तो क्वारंटाइन की आवश्यकता नहीं होगी, अन्यथा क्वारंटाइन की आवश्यकता पड़ सकती है। तो दोबारा से मैं बताना चाहूंगा कि विद इन द डिस्ट्रिक्ट, विद इन द स्टेट, ड्यूरिंग कर्फ्यू रिलैक्सेशन आवर्स कर्फ्यू पास की जरूरत नहीं है। राज्य से बाहर जाने के लिए कर्फ्यू पास की जरूरत नहीं है। बाहर से किसी को हिमाचल में आना है, उन्हें संबंधित जिला दंडाधिकारी से कर्फ्यू पास, ई पास जो है प्राप्त करना होगा। सिर्फ इसके अंदर जो 48 आवर्स की जो कैटेगरी में बात कर रहा हूं, कि अगर किसी को राज्य से बाहर
कम पीरियड के लिए, चाहे वो चिकित्सा के लिए, चाहे बिजनेस के लिए, या कोई सरकारी काम के लिए, या कोई ऑफिस पर्पस के लिए 24 घंटे के अंदर आना है, तो वो परमिट के साथ जाएंगे और जब वापस आएंगे तो उनको मेडिकल स्क्रीनिंग करानी पड़ेगी।